Nestled in between Sushant Lok 1, Sai Baba Temple and Shalom International School, Gurgaon, is a small and nondescript shanty slum of about 500 people. Mostly laborers from Bihar and West Bengal, they have lived here for over 15 years in putrid conditions. Here's what they had to say. देख बचपन से हम रह रहे हैं ठीक है अच्छा आपको यहाँ क्या क्या परेशानियाँ आती हैं हर एक चीज का परेशानी है इसमें तो जैसे पानी का मतलब कि बाथरूम तो है नहीं जंगल में जाते हैं हम लोग ठीक है और उसके बाद जो है सो बिजली नहीं है यहाँ गंदगी फैला हुआ है गंदगी में रह रहे हैं और ये सरकार आपके लिए क्या कर रही है यहाँ इस जगह में कुछ नहीं कर रहे हैं हम तो जैसे हैं वैसे रह रहे हैं कुछ सरकार की कोई मदद नहीं कर रही कोई मदद नहीं आप क्या चाहते क्या हैं कि सरकार क्या क्या करे आपके लिए सफाई के लिए करवा देगा थोड़ा रूम का जो मतलब कि जहाँ हम रह रहे हैं हम लोग सब मिल के वहाँ थोड़ा ये सोचते हैं कि हर एक चीज़ का सुविधा हो जाए तो हमें और तकलीफ ना हो अच्छा और आपके भविष्य के क्या प्लान हैं भविष्य के लिए क्या करेगा सरकार हम क्या चाहते हैं कि मतलब कि कहीं जगह दे देगा और सही रहेगा मतलब कि रह सकते हैं हम लोग कुछ परदेसी हैं हम लोग कमा खा सकते हैं इसके बारे में आप सरकार क्या करेगा ये हम नहीं कह सकते Children move around half naked while mothers, barely adults, look up to us in awe. All hope is not lost as we see some children returning from school in their unmistakable blue uniform and school bags. The children we spoke to were remarkably aware of their wants and rights. आप स्कूल वूल कहीं जाते हैं? हाँ। क्या किस कक्षा में आप? सेवेंथ। सेवेंथ में कौन सा स्कूल? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कितने? सिकंदरपुर। आप कैसे जाते हैं? साइकिल से। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 3 किलोमीटर। आपको यहाँ पे हॉस्पिटल कहाँ पे है? चकरपुर। यहाँ से वो कितना दूर है? कितना दूर है? वही 3 किलोमीटर। अच्छा स्कूल के पास? टॉयलेट तो यही है पास। The place where we went was very filthy, as it had garbage all over. There is no proper sanitation. The only toilet they have at their disposal is the nearby forest. There are many health problems in these slum areas because of mosquitoes such as malaria, dengue, etc. Electricity is a major problem, and water they get is 1 hour per day. आपका नाम क्या है? रीना. आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार यहाँ पे कितने लोग? यहाँ पर है 2 बच्चे और एक मेरे हस्बैंड में 4 परिवार. अच्छा और अभी आप खाना आप तो खुद ही बनाते हैं खाना कैसे मतलब चूल्हा वूल्हा कैसे? गैस में खाना बनाते हैं. गैस आपके है यहाँ पे गैस की व्यवस्था है? अच्छा आपकी उम्र कितनी है? 20. आपकी शादी कब हुई थी? शादी को मेरे 5 साल. Rina was 20 years old and she got married 5 years back at the age of 15. 15, that's a really young age to get married. And she has 2 kids already. That means she didn't get any education, primary or secondary. आपका नाम क्या है? अशोक. आप यहाँ पे कब से दुकान चला रहे हैं? 15-20 साल से. अच्छा तो आप कभी उधार देते हैं इधर पे रहने वालों को? देते हैं. तो वो समय पे चुका पाते हैं? हाँ.